हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजू कौशिक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंजू स्मार्ट आइडियाज़ में। तो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा कुशन कवर्स का सेट लेकर आई हूँ और ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया। तो लेट्स कम फ्रेंड एंड लर्न हाउ आई मेड। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये मेरे पास पैंट और शर्ट का एक दो ये पूरा सेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ किया जाए और इसका कुछ क्रिएटिव और कुछ अच्छा बनाया जाए जो मैं यूज़ कर सकूं। तो आज मैं इसका आपको कुशन कवर, ये पैंट और शर्ट के इस पीस, दोनों पीस का यूज़ करके मैं आपको आज बहुत ही डिज़ाइनर, बहुत ही सुंदर आपके कुशन कवर बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास कुशन है और तो मैंने इसको मेज़र पहले कर चुकी हूँ मैं, और इसका जो मेज़रमेंट है वो है 14x16 का। तो यहाँ से ये बन रहा है 14 और यहाँ से ये बन रहा है 16। तो 14x16 का इसका मेज़रमेंट आ रहा है। तो इसके लिए, क्योंकि मुझे अलग अलग कपड़ा ना काटना पड़े, इसलिए मैंने पहले से ही न्यूज़पेपर का एक पैटर्न इसी साइज़ का कट कर लिया है 14x16 का। ये 14x16 का पैटर्न मैंने न्यूज़पेपर से कट किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये पैंट का जो पीस है इसको मैंने ये सिंगल फोल्ड है इसकी, और मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी के लिए आपको ज़रूरी हो कि आपको सिलाई आनी चाहिए, आपको ड्रेस डिज़ाइन आनी चाहिए, या आप एक अच्छे डिज़ाइनर होने चाहिए। देखो, क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज क्रिएटिविटी। तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके दिमाग को, आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टिचिंग इन क्लॉथ एंड स्टिचिंग ड्रेसेज, बट इट इज़ जस्ट ए क्रिएटिविटी। तो आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने 14x16 का लिया है, आपको इस तरह से इसको इक्वल कर लीजिए। आपको इस तरीके से 14x16 का ना कट करते हुए इस कपड़े को कट करना है आपको 15x17 का। तो मैं एक एक इंची लगभग आइडिया से ले लेती हूँ कि यहाँ से मैं इतना इतना छोड़ देती हूँ। और देखिए यहाँ पे ये इसका किनारी आ रही है ये, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, मैं इसे स्टिचिंग में ही ले लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ से करके और लगभग आधा आधा इंची का मैं छोड़ के दोनों साइड में, और मैं इस तरीके से इस पर मार्क कर लूँगी। तो ये बन जाएगा मेरा एक कुशन कवर का सेट। और सेम इसी साइज़ में मैं दूसरा करूँगी। तो देखिए मैंने ये पीसेस कट कर लिए हैं, और जो पहला पीस है, फर्स्ट कुशन जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें जो पहला पीस है उस पीस का सेंटर, लेंथ और ब्रेथ दोनों में, लंबाई और चौड़ाई में जो सेंटर है उसको मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। मैंने कोई मेजरिंग स्केल यूज़ नहीं किया है, मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल के और इस तरह से मार्क कर लिया है। तो ये है शर्ट का वाइट कपड़ा, जिसे बहुत पतली पतली, बहुत ही लाइट कलर में ब्लैक लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। तो मैंने इसका सेंटर लेके लगभग 8 इंच का ये फोल्ड करने पा रहा है, डबल मतलब 4 फोल्ड करने पर, 2 फोल्ड्स करने पर ये लगभग 8 इंचेस का आ रहा है। इसको मैंने इस तरह सेंटर में रखा और कॉर्नर से, मतलब जो एज है ब्लैक कपड़े की, उस एज से लगभग 1 इंची बाहर, और दूसरी साइड भी लगभग 2 इंचेस को लगभग इस तरह से लेंथ और ब्रेथ दोनों तरफ से 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा इस वाइट कपड़े को ब्लैक से ज़्यादा कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए, लंबाई और चौड़ाई के लिए मैंने 2-2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा है, इनसे ब्लैक कपड़े से उस ऐसे ही लंबा मैंने कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इनको फोल्ड कर लिया है, तो मैं इनको यहाँ पर इस तरीके से सेट करूँगी। तो इन्हें सेट करने के लिए सबसे पहले मैं जो ये वाइट कपड़ा है इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, इसलिए मैं इसके 3 साइड से सिलाई कर दूँगी, और जो 4th साइड होगी जो ओपन होगी वहाँ से मैं इसको फिर से सीधा कर लूँगी इसको। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली है तीनों साइड, दोनों वाइट कपड़ों में डबल सिलाई कर ली है, और इसके बाद मैंने इनको सीधा कर दिया है। अब देखिए जो वाइट कपड़े का एज है, मतलब जो किनारी है, उस किनारी को ब्लैक कपड़े की किनारी के साथ स्टिच कर दिया है, कॉर्नर्स के साथ, बिल्कुल यहाँ पे एज के साथ ही।
और दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है क्योंकि बीच में ये कपड़ा थोड़ा सा लूज रहेगा। तो देखिए यहाँ से सिलाई कर दी है इसकी और यहाँ से भी बिल्कुल इसको ब्लैक कपड़े के बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाकर यहाँ से इसको भी स्टिच कर देना है। ध्यान रखिए बीच में थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, बीच में ये लूज़ है इसलिए एक एक इंची दोनों तरफ से एक्स्ट्रा हमने लिया था, 2 इंची एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने दोनों पर्दे एक दूसरे से प्लस क्रॉस में इनको स्टिच कर दिया है। अब अंदर की साइड से जो ब्लैक कपड़ा है इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करके और अंदर की साइड स्टिच कर दूँगी जिससे कि धागा ना निकले और बहुत मजबूत ये कुशन बन जाए। तो इस तरह से देखिए इस पर मैंने अंदर की साइड सिलाई कर दिया है फोल्ड करके इसको। अब बारी आती है ये दूसरा कपड़ा मैंने कट कर लिया है जो लगभग इससे 3 इंची लेंथ में बड़ा है क्योंकि मुझे बाद में इसको फोल्ड करके और इसका जो कुशन को जिसमें से डाल सकते हैं इसके लिए कवर बनाना है क्योंकि ना ही मैं इसमें चैन लगाने वाली हूँ ना ही मैं इसको स्टिच करूँगी धागे से। तो इसको मैं इसका एक माउथ ओपन करूँगी जिससे जो अंदर का कुशन है वो भी नहीं दिखेगा और चैन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ईजिली इसके अंदर कुशन कवर हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है जो बच गया था, इतना साइज़ तो था इतना पहले हमारे ब्लैक का था और 3 इंची ये एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद स्टिच कर दिया और अब इसको सीधा कर दिया है। तो देखिए अब इस तरीके से ये कुशन बिल्कुल सीधा कर दिया और इस तरह से ये इसका लुक आ गया। अब हमें जो ये वाइट पट्टियाँ जो हमने क्रॉस में दी हैं प्लस क्रॉस दी हैं ये इनको हमें बटरफ्लाई का शेप देना है। तो बटरफ्लाई का शेप देने के लिए इस तरह से हम इनको फ्रिल्स बना लेंगे और फ्रिल्स बनाने के बाद इनको इस तरीके से स्टिच करके और टाइटली इन्हें खींच देंगे तो यहाँ से एक बटरफ्लाई शेप आ जाएगी इस वाइट क्लॉथ की। तो देखिए इस तरह से ये बटरफ्लाई का शेप आ गया है और सेम इसी तरीके से जो नीचे वाला कपड़ा है वाइट का जो स्ट्रिप है उसको भी हम बटरफ्लाई शेप में ही इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब देखिए मैंने ये एक ब्लैक जो पैंट थी जिसका ब्लैक कपड़ा है ये उसका कपड़ा ले लिया है छोटा सा पीस और इसको मैंने अब चारों तीन तरफ से स्टिच कर दिया क्योंकि चौथा साइड खुला रखना है जिससे कि सीधा कर लें। तो देखिए इसको इस तरह से स्टिच हो गया है। मुझे दो ही तरफ से स्टिच करना पड़ा क्योंकि एक साइड फोल्ड में आ रहा था। तो इस तरह से मैंने इसको देखिए सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद इस तरीके से ध्यान से देखिए इस तरीके से ये कपड़ा लिया और जो ऊपर वाला जो बटरफ्लाई शेप है उसमें इस तरह से इसको नॉट करके मतलब इसको नॉट भी नहीं कीजिए इसको सिलाई कर दीजिए। सिलाई करने के बाद जो ये नॉट बीच में आई है ये रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जो नॉट बीच में आई है इसको सेकंड जो लोअर बटरफ्लाई है वाइट कलर की वाइट क्लॉथ की उसके साथ भी इसको स्टिच कर दिया है। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमारे सामने बन के आ गया है। अब ये दूसरा जो कुशन था उसको भी मैंने सेम बटरफ्लाई स्टाइल में ही क्रॉसिंग बटरफ्लाई स्टाइल में ही स्टिच कर लिया है सिलाई कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें मैंने ब्लैक कलर का नॉट बनाया था लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल पीस लिया है उसकी इस तरीके से फ्रिल बनाई है जैसे हम साड़ी की फ्रिल्स बनाते हैं और इसके सेंटर से इसको यहाँ से मैंने फिंगर से इसको पकड़ रखा है यहाँ से इसको स्टिच करके और इस तरह से इसका फ्लावर बन जाएगा और फ्लावर के ऊपर फिर बाद में मैंने वाइट कलर का एक बटन भी लगा दिया है जिससे इसकी जो ब्यूटी है कि ब्लैक पर वाइट बटन से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया था और इसको पूरा कंप्लीट बनाकर अपने पास रख लिया था। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको सेंटर में जिस तरह से पहले कुशन में नॉट लगाई थी इसी तरह से फ्लावर लगा देंगे और इस फ्लावर को मैंने नाम दिया है फैन फ्लावर। फैन क्योंकि जो पंखे होते थे सारो नारायण वाले पंखे जो होते थे वो इसी तरीके से बनते थे तो इसको मैंने फैन फ्लावर नाम दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने सुंदर लग रहे हैं और अब मैंने इनको इस तरह से अपने सोफे पर सेट कर दिया है दोनों को। यस इसको आप जैसे मन करें उसी स्टाइल में इनको रख सकते हैं दूसरे कुशंस रख सकते हैं। मैंने सिर्फ इन्हीं को ही सोफे पर रख के दिखाया है
तो देखिए आप इनके साथ कलरफुल कुशंस, आप इनके साथ वाइट कुशंस, ब्लैक कुशंस, कोई भी कुशन रख सकते हैं। तो इसका फाइनल गेटअप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मैंने इस तरह से इसको इंटीरियर कर दिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ब्लैक और वाइट जो मैंने कॉन्ट्रास्ट ये यूज़ किया है, इसके पीछे की रीज़न है, आई विल शो यू दैट रीज़न आफ्टर 2 or 3 days। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।